हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे आज के नए ब्लॉग में। और आज आप सभी को पता है हम जा रहे हैं अजमेर स्केटिंग पर। तो देखो हमारे साथ है महबूब और जावेद। पहली बार मतलब 90 डे हार्ड चैलेंज में पहली बार तो नहीं, बहुत बार आ चुके हैं। और मेरे स्केट रहे ये महबूब, तेरे स्केट ले गया, जावेद तू भी ले गया। ओके, तो अपने स्केट में लेके चलता हूँ बाहर। ये रहे जावेद के स्केट्स और ये रहे महबूब के स्केट्स। पहले रख देते हैं, फिर इसे पहनेंगे और रवाना होंगे। हमारे घर के आगे से ही रवाना होंगे सीधा ही। यहाँ से रोड अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं, कैसे भी करके निकलना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों फाइनली हम घर से सीधा निकल के आ चुके हैं मोती भाई की दुकान पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो सब खड़े हैं। सागर भाई आज हमारे साथ चलेंगे और कुछ साथ में हमारे रिश्तेदार भी आए, मामा नानी नाना और ये सब, मौसी वगैरह। और ये रमेश, और रमेश ये रहे दोनों बच्चे, मतलब मेरे भाई, दोनों भाई सब खड़े हैं, हमें ही देख रहे हैं सब। वहाँ पर कुछ बाइक से अजमेर स्केटिंग यात्रा लिखकर चिपका रहे हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं आगे, चलिए हमारा ब्लॉग कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं मोदी भाई के पास से। और मोदी भाई मिलते हैं आपको अजमेर से वापस आके। बिल्कुल चलना था मेरे भी साथ, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। सही बात है, मोदी भाई ने बोला था चलेंगे लेकिन अब नहीं चल रहे। कोई बात नहीं मोदी भाई, हम मिलते हैं, बिल्कुल मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों अभी चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं हमारे गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर। अभी तक तो बहुत आसान ही लग रहा है ये चलना, और देखते हैं आगे क्या होता है। हमें 4-5 दिन भी लग सकते हैं, तो 4-5 दिन ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे और आप देखते रहना। और अभी हम यहाँ आगे रुकेंगे, आगे एक होटल है यहाँ पर, या फिर आगे हो सकती है वहाँ पर हमें रुकना है। गनी भाई हमारा वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और ब्लॉग आज का बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि फर्स्ट डे है और फर्स्ट जर्नी है स्केटिंग पे, तो थोड़ा इंटरेस्टेड हम भी हैं और आप भी ये ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड होंगे। और अभी कंटिन्यू बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं अभी मैं अपने घर से मतलब बाई टू से लगभग 25 किलोमीटर दूर दूधवा गांव में पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हो यहां से महबूब मेरे आगे है, जावेद भी मेरे आगे है और हम बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं। लगभग 20-25 की स्पीड है, 30 छू लगी लगभग, क्योंकि ये जो ढलान है बहुत ज़्यादा है। ये देखो महबूब भी अच्छे से स्केटिंग कर रहा है। महबूब मज़ा आ रहा है, ओके। तो दोस्तों अभी चलते हैं और भी आगे और बालोतरा चलेंगे, बालोतरा से पचपदरा और आगे और भी रूट होंगे। आपको ऐसे ही ब्लॉग दिखाते रहूँगा, मतलब ब्लॉग बनाऊँगा, तो आप देखते रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे ब्लॉग में, तो जल्दी चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम बागुंडी से निकल चुके हैं, जा रहे हैं पचपदरा साइड में और वहाँ पहुँचकर मदीना होटल है। वहाँ पर लगभग 2 मिनट या कुछ आधा घंटा मतलब थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद में आगे निकलेंगे। या फिर हम मतलब पचपदरा में हमारे कोई दोस्त है उनके यहाँ होल्ड भी कर सकते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये देखो एकदम खुली रोड पड़ी है, अच्छी सी बनी हुई, चलते हैं आगे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पचपदरा रिफाइनरी के पास। कुछ देर अभी आगे रुके थे तो अभी वापस व्लॉग बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आगे रिफाइनरी की कुछ लाइट्स जल रही है, आप ये देख सकते हो यहाँ से। वो देखो महबूब और जावेद आगे जा रहे हैं, ट्रक वाले भैया हॉर्न दे रहे थे ज़्यादा तो मैंने वीडियो रोक दिया। तो दोस्तों अभी देखो
ट्रक सारे आगे निकल चुके हैं, बहुत हॉर्न दे रहे थे। और हम रिफाइनरी से लगभग करीबन 1 किलोमीटर दूर हैं और अभी जा रहे हैं। और लगभग हमारा यही प्लान है, आज रात होल्ड करेंगे पचपदरा में ही। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते होता है क्या। तो फाइनली दोस्तों अब हम रिफाइनरी के पास है, ऐसे आप देख सकते हो हमारे पास ही है रिफाइनरी। और हमें जाना है मदीना होटल, जो आगे है, रास्ता सीधा है एकदम, नो ट्रैफिक। पीछे भी बस हमारी, हमारे साथ आ रही दो गाड़ियां हैं, एक बाइक और एक हमारी गाड़ी, और कोई ट्रैफिक नहीं है। और टाइम हो चुका है अपने 6:17 हो चुके हैं और अभी भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं स्केटिंग को। देखते हैं आगे चलते हैं, थोड़ी ठंड भी पड़ने लगी है। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे मदीना होटल और वहां पर रूम बुक करके आज नाइट वहीं होल्ड करेंगे और सुबह जल्दी निकलेंगे। तो और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल सुबह जल्दी। और हमारे ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, बाय, मिलते हैं बाय सुबह एंड गुड नाइट।